काश ये गलती न करते केके तो शायद उनकी जान बच जाती। निधन से पहले केके का ये वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उन्हें कितनी घुटन महसूस हो रही है। वो तौलियों से अपना मुंह पोंछ रहे हैं और फिर एक शख्स उनसे कहता है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। इसके बाद केके एक शख्स के कान में कहते हैं कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा। केके ने कल रात 7 बजे से 9 बजे तक कोलकाता के गुरदास कॉलेज में परफॉर्मेंस किया था। इस दौरान उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ उछल उछल गाना गाए। वो हमेशा अपने स्टेज शो में इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों वही 9 बजे के बाद केके ने जब स्टेज छोड़ा तो दोस्तों साफ साफ ऐसा लग रहा है कि केके बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके चेहरे पर कितना पसीना है और हाव भाव भी बिल्कुल बदले हुए हैं। यहाँ से उतरकर केके कार में बैठकर होटल पहुँच गए और होटल पहुँचने के तुरंत बाद उनके सीने में अचानक दर्द होने लगा, उन्हें बेहोशी छाने लगी। इसके बाद उनके टीम के लोग उन्हें लेकर अस्पताल भागे। 5 किलोमीटर दूर CMRI हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही केके ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। केके ने स्टेज पर अपना आखिरी गाना हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल गाया था। सबसे ज्यादा चुप थी यहाँ ऑडिटोरियम में ज्यादा लोगों को इकट्ठा हो जाना। आप देख सकते हैं कि ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ है। ना ही नहीं, स्टेज पर बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं। गाना गाना सांस का खेल है, में भी लगातार 2 घंटे तक परफॉर्म करना और भी ज्यादा मुश्किल है। भरी गर्मी में घमस होने के बावजूद केके परफॉर्म करते रहे। ऑडिटोरियम पूरा बंद था। इसके बंद होने से गर्मी और बढ़ती गई। यही वजह रही कि केके की तबीयत इवेंट से पहले गड़ना शुरू हो गई और होटल पहुंचते उनके सीने में दर्द उठ गया। डॉक्टर इसे हार्ट अटैक मान रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल दोस्तों इस पे आपका क्या है कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब।